नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियां शेयर करता हूं। अगर आपको किताबों में रुचि है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आ जाए। तो चलिए आज की किताब की चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने अपने समाज में और अपने जीवन में नारी को बहुत सारी जिम्मेवारियों को उठाते हुए देखा है, और उन जिम्मेवारियों को उन्होंने बखूबी निभाया भी है। काफ़ी सारी जिम्मेवारियाँ पारंपरिक रूप से घर से संबंधित रही हैं, लेकिन ऐसे भी उदाहरणों की कमी नहीं है जहाँ नारी ने घर से बाहर निकलकर और वैसी जिम्मेवारियों को उठाया जो पारंपरिक रूप से घर के लड़के के हिस्से में आती है। आज जो मैं किताब बता रहा हूँ वो उसकी कहानी वैसी ही है, उषा प्रेमदा जी की लिखी हुई 55 खंभे डाल दीवारें। यह कहानी है सुषमा की, जो अपने घर की जिम्मेवारियों को संभालने के लिए अपनी निजी इच्छाओं को बंद कर देती है, उन्हें बढ़ने नहीं देती है। पिता की रोग की अवस्था और आर्थिक असक्षमता ने उसे एक बहुत ही कम उम्र में इस चीज़ के लिए बाधित कर दिया कि वो नौकरी की तलाश करे। घर की बड़ी लड़की होने के नाते उसने अपनी इस जिम्मेवारी को अपने कंधे पर लिया और उसे बखूबी निभाया भी। अपनी पढ़ाई पूरी करके और प्रयास करके वो दिल्ली के एक कॉलेज में एक हॉस्टल की वार्डन बन जाती है, और इस किताब का नाम भी उसी से संबंधित है। वो हॉस्टल, उसमें 55 खंभे हैं और लाल दीवारें हैं जिनमें वो कैद होकर रह जाती हैं। उसकी इच्छाएँ उन्हीं दीवारों में कैद होकर रह जाती हैं। उसके सर पर हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि कैसे वो अपने छोटे भाई और बहन की पढ़ाई और शादी के खर्चे को उठाएगी, कैसे वो चीज़ करेगी। और उसकी माँ भी हमेशा उसी पे आश्रय रहती है कि वो समय समय पर पैसे देते रहे ताकि छोटे बहन की शादी समय पर हो जाए, और इस वजह से उसने खुद अपनी शादी नहीं की। ऐसा नहीं है कि सुषमा विवाह करना नहीं चाहती थी, लेकिन जिम्मेवारियों के बोझ ने और पिता की असक्षमता ने उसे, जब शादी की बात चल रही थी, उस बात को वो उतने ढीले तरीके से उन्होंने लिया कि एक समय था जब सुषमा की विवाह की बात चलती थी लेकिन वो हो नहीं पाई। तो कभी कभी जब उसके पिता उसे इस बात का ढाढ़स देते या फिर इस बात से उसकी प्रशंसा करते कि तुम उन लड़कियों में से हो जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और अपने जीवन को अपने हिसाब से जी सकती हैं, तो ये बात सुषमा को कभी कभी कचोड़ भी जाती थी। उसकी मौसी भी उसके कभी कभी कहती कि अगर तुम्हारे पिता थोड़ा सामाजिक होते, थोड़ा वो ध्यान दिया होता, तुम्हारी शादी हो जाती। लेकिन सुषमा ने अपने मन को समझा लिया था, वो जिम्मेवारियों के ऊपर अपना ध्यान पूरी तरह केंद्रित कर चुकी थी। इसी समय कुछ इन्हीं सब द्वंद्व के साथ वो जी रही थी, तब उसके जीवन में नील आया। नील ने उसे उसके नारीत्व का एहसास कराया। नील के साथ रहकर वो अपने आप को जिम्मेवारियों से मुक्त समझती थी। वो कुछ समय के लिए ऐसा एहसास, जब तक नील रहता तो वो उसे ऐसा एहसास होता कि वो खुद को जी रही है, वो जैसा जीवन चाहती थी, जैसा एक साथी चाहती थी, वैसा उसे मिल गया है। लेकिन कई बार उसे दोबारा से उन जिम्मेवारियों का एहसास उसे अपने कदम पीछे करने पर मजबूर कर देता था। नील की उम्र उससे कम भी थी, और कुछ समय बाद हॉस्टल में एक ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से वो अपने और नील के रिश्ते के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर देती है। ये सवाल उसके मन में उठते हैं कि क्या यह सही है, क्या इस रिश्ते का असर उसकी छोटी बहन की शादी पर तो नहीं पड़ेगा। इस तरह से इस कहानी में उसके अंदर काफ़ी सारी द्वंद्व चल रही होती है। एक पतंग की तरह वो आसमान में उड़ती तो है जब नील के साथ होती है, लेकिन वो उड़ान की एक सीमा होती है, और वो सीमा और वो जो सीमा होती है वो है उसकी जिम्मेवारियों की। वो उसे वापस खींच के लाती है और अपने वो कदम पीछे करती रहती है। उषा जी ने उसके अंतर्द्वंद को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। वो उन्होंने शब्दों का जो चयन किया है वो बहुत ही सरल शब्द हैं, और उनके लेखन के ऊपर इस महारत को वो दर्शाता है कि भले ही बहुत ही सरल शब्दों का उन्होंने चयन किया हो लेकिन भावनाओं की गहराइयों को वो छू कर जाती है। ये रिव्यू कैसा लगा ये भी आप बताइएगा। तब मैं फिर मिलूंगा आपके साथ एक नए वीडियो में एक नई किताब के साथ।
तब तक लाइफ एंजॉय करते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।